हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीमाफोर की। लास्ट लेक्चर में हमने पीटरसन सॉल्यूशन देखा था। पीटरसन सॉल्यूशन में हमने टू प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। बट अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल है तो कैसे हम इसे हैंडल करेंगे, ये हम सीमाफोर के थ्रू देखने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस थी और डेटा भी कैसा था या फिर रिसोर्स भी कैसे थे, शेयर्ड थे। अगर रिसोर्स प्राइवेट थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास आ जाए। बट अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, रिसोर्सेज भी शेयर्ड है, तो फिर और ये प्रोसेसेस दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस सेम शेयर्ड रिसोर्स पे सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन चाहती हैं, तो फिर प्रॉब्लम अराइज होने वाली है। इनकन्सिस्टेंस डेटा आने वाला है, रेस कंडीशन अराइव होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमको किसने प्रोवाइड किया है, सीमाफोर ने प्रोवाइड किया है। तो सीमाफोर जो है उसको हम एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन टूल भी बोल सकते हैं, जो कि इंटीजर वैल्यू, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर वैल्यू कंटेन करके रखता है। बेसिकली दो टाइप के सीमाफोर हमारे पास अवेलेबल है, काउंटिंग एंड बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर बोलता है कि माइनस इन्फिनिटी टू लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रेंज या कुछ भी वैल्यूज इसकी वैरी कर सकती है। बट बाइनरी सीमाफोर ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी। इसलिए हमने बाइनरी सीमाफोर को म्यूटेक्स लॉक भी बोला है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसको लॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है इसके सीमाफोर के, वेट और सिग्नल। वेट को हमने पी से डिनोट किया है, सिग्नल को हमने वी से डिनोट किया है। वेट बोलता है कि आप अपने कंडीशन चेक करें सीमाफोर वेरिएबल के थ्रू और वैल्यू को डिक्रीमेंट कर लीजिए, और सिग्नल के थ्रू हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ये हमारी वाइल कंडीशन ट्रैप की तरह यूज़ होने वाली है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ही हम सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज ट्रैप में ही फंसे रहेंगे। ठीक है, फिर सीमाफोर ये भी गारंटी देना चाहिए कि कोई दो प्रोसेसेस वेट और सिग्नल को सेम सीमाफोर वेरिएबल के साथ सेम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होने दे। सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का टास्क उसके थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप क्रिटिकल सेक्शन के लिए टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम अभी करने वाले हैं, तो हमको सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू वन सेटिस्फाई करने, वन से इनिशलाइज करना पड़ेगा। और हमारे पास अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसा टास्क अवेलेबल है, तो हम सीमाफोर की वैल्यू कुछ और रखेंगे, वो हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। अभी इस लेक्चर में हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है हमें एन प्रोसेसेस के लिए, तो अब हम सीमाफोर के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये एक प्रोसेस स्ट्रक्चर है जिसमें एंट्री सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन है, और फिर कंडीशन हमने दे दी है कि कब तक की कंडीशन, तो ट्रू दे दिया है, मतलब ऑलवेज ही कंडीशन ट्रू है। वेट और सिग्नल के कोड आपके सामने अवेलेबल है। अब सपोज एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेरे पास अवेलेबल है और सीमाफोर क्रिटिकल सेक्शन के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमने उसकी वैल्यू क्या किससे इनिशलाइज कर दी है, वन से इनिशलाइज कर दिए। वेट ऑफ एस मतलब यहाँ पर आना है, वाइल वन इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो फिर ये जो सिंक्रोनाइजेशन टूल है एस, ये क्या हो जाना चाहिए, एक से डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो पी वन ने बोला कि मुझे जाना है अंदर, वन इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, तो एस डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो वन से वैल्यू क्या हो गई, एस की जीरो हो गई। क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गई पी वन प्रोसेस। आप पी टू प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो पी टू प्रोसेस अगेन आई, उसने भी क्या पढ़ा, वेट ऑफ एस पढ़ा, तो एस की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, जीरो। जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, ट्रैप में फंसी रहेगी। पी थ्री आई, उसने भी क्या पढ़ा, वेट ऑफ एस, जीरो इज लेस देन जीरो, ट्रैप में ही फंसा रहेगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम क्रिटिकल सेक्शन तक नहीं पहुँचेंगे। मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को में जा पा रही है, यही हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन है। तो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव कर लिया। जैसे ही पी वन प्रोसेस सिग्नल करेगी, मतलब क्रिटिकल सेक्शन छोड़ेगी, तो वापस सीमाफोर की वैल्यू जीरो से क्या हो जाने वाली है, वन हो जाने वाली है। अब कोई दूसरी प्रोसेस जो है वो एंटर कर सकती है क्रिटिकल सेक्शन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमने इसके थ्रू, सीमाफोर के थ्रू म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव कर लिया। अब बात करते हैं प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस मतलब क्या, प्रोग्रेस का मतलब है कि किसी प्रोसेस को अगर जाना है विलिंगली क्रिटिकल सेक्शन में, तो हम उससे पहले पूछ लें। ऐसा नहीं कि हम अगले प्रोसेस को ऑटोमेटिक टर्न दे दें। सपोज एन नंबर ऑफ प्रोसेस है, मतलब कि 100 प्रोसेसेस है, और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, बाकी किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना है, उनके पास अपने प्राइवेट रिसोर्स अवेलेबल है, तो फिर क्यों अननेसेसरी हम उसे टर्न दें।
तो देखिए इस कोड के थ्रू कोई वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेगी, वही प्रोसेस जो है सीमाफोर वेरिएबल को अपडेट करने का बोलेगी जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। अगर उसे जाना ही नहीं है तो वो यहाँ पर वेट के पास आएगी नहीं और सीमाफोर वेरिएबल को अपडेट करने का बोलेगी नहीं। तो प्रोग्रेस तो हमने डायरेक्टली अचीव कर ही लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस कोड के थ्रू। हमको सीमाफोर वेरिएबल अगर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं है तो वो सीमाफोर वेरिएबल को अपडेट करने का बोलेगी नहीं वेट के थ्रू, मतलब हमारा प्रोग्रेस तो अचीव हो गया है। अब बात आती है बाउंडेड वेट की। बाउंडेड वेट का मतलब है कि किसी प्रोसेस ने अगर अप्लाई कर रखा है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तो उसको किस थ्रेशोल्ड तक वेट करना पड़ेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो दो प्रोसेस का सॉल्यूशन जब हमने पीटरसन देखा तो हमने बोल दिया था कि एक सिंगल कंडीशन के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस कैसी हैं, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। तो पी वन प्रोसेस जो है वो बोलती है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वेट ऑफ एस मतलब 1 <= 0 कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब पी टू प्रोसेस बोलती है कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो 0 <= 0 कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। अब क्या होता है P1 प्रोसेस सिग्नल कर देती है, मतलब उसने क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ दिया तो वापस सीमाफोर की वैल्यू क्या हो गई है, 0 से 1 हो गई। सीमाफोर की वैल्यू वापस 0 से 1 हो गई है, बट क्या वापस P1 प्रोसेस ही अप्लाई कर सकती है, हाँ कर सकती है। P2 प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम तक के लिए वेट करती रहेगी, हाँ P2 प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम तक के लिए वेट करती रहेगी। तो फिर हम बाउंडेड वेट जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अगेन मे पॉसिबल P1 कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन और अनदर प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन, हो सकता है P2 का कभी नंबर ही नहीं आने दे कोई प्रोसेस। तो हमने बाउंडेड वेट तो अचीव नहीं किया सीमाफोर के थ्रू, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी जो दो नेसेसरी कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये दोनों नेसेसरी कंडीशन हमने अचीव कर ली है। बाउंडेड वेट अचीव नहीं हुआ है फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो नहीं बनी रहेगी, हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम रेस कंडीशन तक नहीं जा पाएंगे। हमारे पास जितनी प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को में हमको हमारी प्रोसेसेस को कुछ भी इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं देगी, हमारी सारी प्रोसेस इजीली एग्जीक्यूट होती रहेगी। बाउंडेड वेट जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इसलिए नहीं भी अचीव होती है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे सीमाफोर पे बेस्ड। ओके थैंक यू।